GSK ने पेनाडोल गोली और सिरप की प्रोडक्शन बंद कर दी। मारूफ मल्टीनेशनल अद्वियात साज कंपनी GSK पाकिस्तान में पेनाडोल की गोलियां और बच्चों के लिए सिरप की प्रोडक्शन का सिलसिला रोक दिया। GSK पाकिस्तान के जनरल मैनेजर फरहान हारून ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि पेनाडोल टैबलेट्स, पेनाडोल एक्स्ट्रा और बच्चों के लिए सिरप बनाना बंद कर रहे हैं। खत में कहा गया कि मौजूदा कीमत पर पेनाडोल प्रोडक्ट्स बनाना कंपनी के लिए मुमकिन नहीं रहा। ड्रग डिलीवरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पेनाडोल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे वफाकी काबीना के अरकान ने मुस्तरद कर दिया था। GSK पाकिस्तान के जनरल मैनेजर ने खत में लिखा कि गुज़श्ता कई महीनों से नुकसान उठाकर पेनाडोल बना रहे थे, जो अब मुमकिन नहीं। हुकूमत रेप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूर शुदा कीमत मंजूर करे तो अद्वियात दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी पेनाडोल की रसद का सिलसिला जारी था, ताहम ज़खीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जानिब से मुख्तलिफ बड़े शहरों में इसे स्टॉक करके इसकी कीमत बढ़ा दी गई थी। पेशावर, कराची और लाहौर में हुकाम की जानिब से कई गोदामों में छापे मार कर हजारों कार्टन बरामद किए जा चुके हैं।